हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल केजा टिप्स एंड ट्रिक्स पे। गाइस, आज का टॉपिक्स काफी कमाल की होने वाली है। आज का टॉपिक्स उन यूट्यूबर्स के लिए जिनका चैनल मोनिटाइज हो चुका है। देखो गाइस, जब भी किसी यूट्यूबर्स का चैनल मोनिटाइज हो जाता है ना, वो काफी खुश हो जाते हैं, काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो चुका है, मेरा यूट्यूब पे कैरियर बन गया, अब मैं खूब मेहनत करूंगा, यूट्यूब से खूब पैसे कमाऊंगा। लेकिन गाइस, यूट्यूबर्स कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण उनका चैनल जल्दी डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो आज मैं यूट्यूब के दो पॉलिसी के बारे में बात करूंगा जिसे हर यूट्यूबर्स को फॉलो करना होता है, जो कि वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यूट्यूब अपने कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी में बार बार चेंजिंग करते रहता है। तो एक न्यू कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी यूट्यूब का आया है जिसे किसी भी यूट्यूबर्स को पता नहीं होगा, तो ये चीज़ जानना हर यूट्यूबर्स के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं एक नया यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जिसे YouTube ने हाल में लॉन्च किया है। दूसरी जो है कम्युनिटी गाइडलाइन, वो काफी पुरानी है, बट हर यूट्यूबर इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जिनके कारण उनका YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो इन दो पॉलिसी को फॉलो करना हर यूट्यूबर्स के लिए प्राइमरी होने चाहिए। तो ये दो जो है YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी है क्या, उसे मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर ये दोनों गलतियां नहीं करते, इसके बारे में अच्छे से आप सीख जाते हो, तो फिर आप जो अपने चैनल को इन लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो और आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए, वो दोनों गलतियां क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो एंड होने के बाद वीडियो को शेयर भी करेंगे। देखो गाइस, जब भी किसी भी नए यूट्यूबर्स का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, काफी खुश हो जाते हैं, अपने अगल बगल वाले को बोलते हैं, अपने फैमिली वाले को बोलते हैं, लड्डू बंटवाते हैं, यार दोस्तों को बोलते हैं कि मैंने मेहनत किया, देखो मेरा मेहनत रंग लाया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब तो मेरी कैरियर बन गई है, अब मैं आराम से पूरी जिंदगी मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। तो गाइस, ये सच है, यूट्यूब एक ऐसा कैरियर है जहाँ पे आप पूरी जिंदगी पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज का ध्यान भी रखना होगा। देखो गाइस, कहीं भी लोग अपना एक कैरियर बनाता है, चाहे वो जॉब ले लो, चाहे वो अपना बिजनेस ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, चाहे ब्लॉगिंग ले लो, एफिलिएट मार्केटिंग ले लो, डायरेक्ट सेलिंग ले लो, कई भी लोग अपना कैरियर बनाता है, उसके पीछे मेहनत होती है, एक शेड्यूल होता है, एक ड्यूटी टाइम होता है। अगर आपने यूट्यूब पे कैरियर बनाया है, यूट्यूब पे आपने अपना कैरियर स्टार्टअप किया है, आपने अपना चैनल मोनिटाइज कर लिया, आपकी इनकम भी स्टार्ट हो गई है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं जो ये दो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसका तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला बात कि यूट्यूब ने अपना एक नया कम्युनिटी गाइडलाइन स्टार्ट किया है, सबको मेल भी किया, जितने यूट्यूबर्स हैं, आपको नहीं मिला था आपको भी मिल जाएगा, फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप पैसे कमा रहे हो, आप वीडियो भी अपलोड कर रहे हो, किसी कारण बस अगर आप ए लॉन्ग टाइम वीडियो अपलोड नहीं करते हो, तो फिर आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस में ये आया है कि अगर आप 6 महीने तक कंटिन्यू अपने चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड करते हो, आपकी कोई एक्टिविटी 6 मंथ तक नहीं रहती है, 6 महीने तक, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लगातार वीडियो अपलोड करते रहें, ऐसा नहीं है कि आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, उस पर आपकी इनकम आ रही है तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू एक्टिविटी दिखाते रहनी है, आपको वीडियो लगातार अपलोड करते रहना है। हाँ, अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो हफ्ते में 2 ही वीडियो डालो, कम से कम 1 ही वीडियो डालो, लेकिन वीडियो आप डालते रहो, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, तो फिर क्या होगा, आप अपने चैनल से हाथ धो बैठोगे, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, फिर से मोनेटाइज करने है भैया कितना परिश्रम होता है, वो उन यूट्यूबर से पूछो जो कतरा कतरा जमा करके उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया। मैंने कहने का मतलब होता है कि वो मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा के वॉचिंग टाइम 1 साल में उन्होंने पूरा किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो है कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहना है, 6 महीना तक जो है वीडियो अपलोड करना नहीं बंद करना है। ऐसा होता है कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि उनका 2-3 चैनल होता है, तो जो उनका मेन चैनल होता है उस पर रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, जो सेकेंडरी चैनल होता है जो मोनेटाइज हो जाता है उनका, उस पर कुछ वीडियो वायरल हो जाता है तो वो छोड़ देता है कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, पर मंथ मुझे जो है यहाँ से 5000-10000 व्यूअर्स मिल ही रहे हैं, मेरा वीडियो देख ही रहा है, मेरा तो मंथली यहाँ पे जो है $100-200 अर्न हो रहा है। तो भैया, जब 6 महीना हो जाएगा ना, अगर उस चीज पे आप नहीं गौर किया, आपको मेल भी भेजेगा, अगर नहीं ध्यान दे, तो फिर आपका चैनल राधे राधे। ठीक है, दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है वॉचिंग टाइम को लेकर। ठीक है,
कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एक साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वाचिंग टाइम इस क्रिएटरिया को पूरा किया, मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया, अब मुझे वाचिंग टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मेरे एक साल में 1000 वाचिंग टाइम भी होता है, 1000 घंटा या 2000 घंटा भी होता है, फिर भी मुझे इनकम आती रहेगी, तो भैया आप गलत हो, सरासर आप गलत हो, आप खतरनाक सोच रहे हो, आपका चैनल डीमोनिटाइज 100% होगा। देखो यार, मैं बताने चाह रहा हूँ कि चैनल मोनिटाइज हो जाने के बाद वाचिंग टाइम का क्या रूल रेगुलेशन है। आपको हर साल 4000 घंटे के वाचिंग टाइम क्रिएट एरिया को कंप्लीटली करना होगा, ये कंपलसरी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 4000 घंटे आपको मैनेज करके रखना है। जिस साल आपका 4000 घंटे से कम हुआ, आपका चैनल डीमोनिटाइज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि हर साल आपको 4000 घंटे का जो है मैनेजमेंट करना होगा, हर साल आपको 4000 घंटे अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करना ही होगा। हालांकि जिनका चैनल मोनिटाइज हो जाता है वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनका 4000 घंटा हो ही जाता है, फिर भी जो कम व्यूअर वाला यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अपना चैनल को प्रमोटिंग करवा के मोनिटाइज करवा लिया, उनके लिए ये एक खतरा और चैलेंज है, क्योंकि उनके चैनल पे कम व्यूज आते रहते हैं, वो अपना एक दो वीडियो क्या करते हैं कहीं प्रमोट करवा लेते हैं, उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट हो जाता है, उन्होंने अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं, उनका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, उसके बाद वो वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियो पे 10 व्यू, 20 व्यू, है ना, 100 व्यूज ऐसे आते रहते हैं, तो फिर उनका एक साल में 4000 घंटा नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो उन यूट्यूबर को ध्यान देने की बात है, उन यूट्यूबर को मेहनत करने की जरूरत है कि हर साल आपको 4000 घंटे के वाचिंग टाइम आपको मैनेज करना होगा, कंप्लीट करना होगा। एग्जांपल फॉर ले लेता हूं, 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2022, एक साल में आपको 4000 घंटा कंप्लीट करना ही होगा। आपने 1 जनवरी 2020 में आपने 4000 घंटा कंप्लीट कर लिया, 1 जनवरी 2021 में आके वो जीरो हो जाएगा अगर आपने 2021 में काम नहीं स्टार्ट किया, या फिर 2020 से 2021 के बीच में काम नहीं किया। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 1 जनवरी 2020 को आपका 4000 घंटा कंप्लीट हुआ, आपका चैनल 1 जनवरी 2020 को मोनिटाइज हो गया। आपने 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक अगर आपने इस बीच में 4000 घंटा कंप्लीट नहीं किया, तो 1 जनवरी 2021 या फिर 2 जनवरी 2021 को आपका चैनल डीमोनिटाइज, क्योंकि आपने 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक 4000 घंटा कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि आपने 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 तक आपने 4000 घंटा कंप्लीट किया, तब जाके आपको 1 जनवरी 2020 का आपका चैनल मोनिटाइज हुआ था। इस इसका ध्यान रखना, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो इस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, अगर इस पर मैं जो है मतलब वाचिंग टाइम के क्राइटेरिया को कैसे कंप्लीट करना है एक साल में, और क्या होता है उसका रूल रेगुलेशन, कैसे मैनेज करना, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप इसका ध्यान रखना गाइस कि इन दो गलतियों को मत करना, वरना आपका चैनल डीमोनिटाइज हो जाएगा 100% होगा, काफी लोगों का हुआ है। तो ये दो गलती मत करना। पहला, आप अपना एक्टिविटी मत छोड़ना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो वीक में मतलब हफ्ते में कम से कम एक वीडियो जरूर डालना, ठीक है। अगर पार्ट टाइम में करते हो तो, या फिर आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, कहीं आपको अच्छा जॉब लग गया, या फिर आपका जो है अदर बिजनेस जो है काफी जोर से पकड़ लिया, तो आप यूट्यूब चैनल को ध्यान नहीं दिए, अगर आप छोड़ना चाहते तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते यूट्यूब चैनल से ही मेरी पार्ट टाइम में इनकम हो जाए और मैं अदर में भी लगा हूं, तो फिर आप जो है वीडियो लगातार अपलोड करते रहना। 6 महीने तक अगर आपने अपनी एक्टिविटी खत्म की तो फिर आपका चैनल डीमोनिटाइज। दूसरी, मैंने आपको बताया कि हर साल आपको 4000 घंटे कंप्लीट करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो हर साल आपको 4000 घंटा वाचिंग टाइम जो यूट्यूब पे अपने चैनल पे क्या करना है, मेंटेन करना है। इन दो गलतियों को मत करना, वरना आपका चैनल डीमोनिटाइज हो सकता है। ये दो गलतियां करते हैं हर नए यूट्यूबर्स, ठीक है। इस चीज को संभालना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप वीडियो अपलोड करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, फुल्ली फोकस करोगे, तो आपका वीडियो वायरल भी होगा और आप जो अपना 4000 घंटा कंप्लीट भी कर लोगे और कंटिन्यू आप यूट्यूब पे एक्टिव भी रहोगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो फिर क्या करेंगे भैया, लाइक कर देंगे वीडियो को। मैंने बात बोला था कि लास्ट तक देखना, फिर शेयर करना। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कर देंगे। अगर भाई समझते हो, प्यार देना चाहते हो चैनल को, सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।